हेलो व्यूअर्स, दिस इज भाई आसमानी हियर। वेलकम टू फैक्चुअल बैंड्स। सो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 3.2 क्लास 10 मैथ्स। एंड एक्सरसाइज नंबर 3.2 सेज, जिसमें अगर आपको याद हो, वी आर डूइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। सो आज जो हमारे पास एक्सरसाइज है, उसमें हम एक्सरसाइज पे जाने से पहले I would like to give you some explanations about the graphical representation of zeros. Graphical representation of zeros में चलिए जी, जो graphical representation of zeros आपने पढ़ी थी, if you remember, कि आपने जो graph पढ़ा था, आप graph एक तो ऐसा पढ़ा जिसमें कि आपने पढ़ा आपके पास lines जो होती हैं parallel होती हैं, after that आपने पढ़ा lines intersecting होती हैं, After that, आपने पढ़ा कि लाइंस जो होती हैं किसमें वो क्या करती हैं, एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं। लाइंस क्या करती हैं, एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं। आपने तीन चीजें, तीन कंडीशंस पढ़ी थी आपने, ठीक है। यह आपका एक्स एक्सिस एंड इसको आप ले रहे हैं वाई एक्सिस, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, ओके फाइन। ये है आपका ग्राफ, ठीक है। अब इसमें आपने कुछ कंडीशंस पढ़ी थी। इस केस में आपके पास नो सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन, एंड यहाँ पे जब लाइंस एक दूसरे के ऊपर आती हैं, ओवरलैप करती हैं, कोइंसाइड करती हैं, तो इसमें आप क्या कहते हैं, यहाँ आपके पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। तो इन इस ये जो आपके पास सॉल्यूशन की बात हो रही है, इसमें एक टेबल है आपके पास, टेबल है आपके पास। मान के चलते हैं, सपोज मैं आपके पास एक एग्जांपल लेके आ रहा हूँ, एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू, आपके पास इक्वेशन है एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू जीरो, एंड उसी का दूसरा पैर है थ्री एक्स प्लस फोर वाई माइनस ट्वेंटी इज इक्वल टू जीरो। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन, ये है आपके पास सेकेंड इक्वेशन। आप याद रखेंगे, देखिएगा, आपने पढ़ा, इसमें पढ़ा आपके पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, यहाँ होता है वन सॉल्यूशन, एंड इधर होता है आपके पास क्या, नो सॉल्यूशन। जब आपके पास ऐसी इक्वेशन आएंगी जहां पे आपके पास ए वन अपान ए टू, ए वन अपान ए टू, चलिए इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, एंड यहाँ रहा आपका बी वन अपान बी टू, एंड यहाँ रहा आपका सी वन अपान सी टू। इस चीज को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, एंड यहाँ आप बनाएंगे रेशोज, उसके बाद होगा आपका रेशोज के बाद होगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, उसके बाद होगा आपका फाइनली जो आएगा आपका दैट इज अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन। अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन, ओके चलेगा। यहाँ हमने ग्राफ ड्रा किया है क्योंकि इसकी जरूरत है हमें, हमारे पास। मान के चलते हैं आपके पास ये जो, देखिए, इफ यू रिमेंबर कि ऑन द डे व्हेन आई स्टार्टेड दिस चैप्टर आई टोल्ड यू पेयर ऑफ अलजेब्रिक एक्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो, एंड ए टू एक्स, ए टू x plus b to y plus c to is equal to 0. This is the general form of pair of linear equation. आपके पास general form में ये होता है pair of linear equation in two variable. यानी a1x plus b1y plus c1, a2x b2y plus c2 is equal to 0. ये होता है आपके पास pair of linear equation. अब जब आप कंपेयर करेंगे, आप देखिए a1 अपान a2 देखना है आपने, इसमें a1 क्या है आपका, a1 अब यहां से देखेंगे ना a1, क्योंकि ये जनरल फॉर्म है, a1 आपका होगा 1 एंड a2 होगा, क्योंकि a1 अपान a2 बनाना है आपने, a1 अपान a2 बनाएंगे, ये इक्वेशन आप यहां जैसे मान के चलिए a1 अपान a2 बनेगा आपके, ये ए वन इसका क्या है यहाँ पे वन है, एंड ए टू क्या है आपके पास थ्री, ये बनेगा वन अपान थ्री, एंड बी टू, बी वन अपान बी टू बनेगा माइनस टू अपान फोर, जो के होगा वन अपान माइनस वन अपान टू, एंड सी वन अपान सी टू, सी वन आप देख सकते हैं इज इक्वल टू जीरो है, यहाँ कुछ भी नहीं है, जीरो को इधर लाएंगे आप, जीरो माइनस जीरो अपान ट्वेंटी लिखेंगे, वो आपका जीरो ही होगा, ठीक है। एंड यहाँ आपके पास रेशोज में, अब यहाँ देखना है आपने इन तीन, ये जो तीन रेशोज आपके पास आई, एक हुई जीरो, दूसरा हो गया माइनस वन अपॉन टू, तीसरा हो गया वन अपॉन थ्री, इनमें से कोई इक्वल है क्या, नहीं। हम लिखेंगे ए
वन अपान ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपान बी टू, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू लिख सकते हैं आप सी वन अपान सी टू भी, क्योंकि ये तीनों रेशियोज यहाँ वन अपान थ्री आया आपके पास, यहाँ माइनस वन अपॉन टू आया, यहाँ जीरो अपॉन जीरो आया, ये कहाँ से आया भाई, ये हमने यहाँ से फाइंड किया एक्स की वैल्यू, एक्स का कोएफिशिएंट वन है, यहाँ एक्स का कोएफिशिएंट थ्री है, तो वन अपॉन थ्री ए वन अपॉन ए टू वन अपॉन थ्री बनता है। एंड इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जब आपके पास ये सिचुएशन आती है ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, जनरली Your book has given only this situation. आपकी बुक ने सिर्फ ये कहा, आप उसको लिख सकते हैं, वो is not equal to C1 upon C2 भी लिख सकते हैं। तो इस केस में जो graphical representation बनती है, वो होती है आपके पास exactly one solution। यहाँ आपके पास होता है exactly one solution, only one solution लिखेंगे हम, only one solution। अब one solution means कहाँ पे? One solution में क्या होता है? हम देखेंगे कैसे one solution। यानी जब ये चीज इक्वल नहीं होती है ए वन अपान ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपान बी टू इज नॉट इक्वल टू सी वन अपान सी टू, उस समय आपके पास एक ही सोल्यूशन होता है। इट मीन्स एक सोल्यूशन मीन्स अभी मैंने तीन ग्राफ ड्रा किए हैं, एक ये एक ये एक ये, एक सोल्यूशन कहाँ कहा मैंने, एक सोल्यूशन मैंने पहले भी कहा कि जहाँ लाइन इंटरसेक्ट करती है, लाइन इंटरसेक्ट कर रही, इधर लिखेंगे लाइन आर इंटरसेक्टिंग, लाइन आर इंटरसेक्टिंग, या आप कह सकते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन्स होती है कहाँ पे, जब ये सिचुएशन क्रिएट होती है, ये वाली सिचुएशन जब आपके पास है तो उस समय आपके पास लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, तो एक ही सॉल्यूशन भी होता है आपके पास। एंड एक और इक्वेशन लेते हैं हम, मान के चलते हैं हमारे पास है 2x plus 3y minus 9 is equal to 0, एंड दूसरी इक्वेशन 4x plus 6y, 4x plus 6y minus 18 is equal to 0। अब यहां चेक कीजिएगा a1 upon a2 b1 upon b2 c1 upon c2 फाइंड कीजिए। a1 is your, a1 क्या है आपके पास 2 upon 4 बनेगा, ये 2 upon 4 जो कि 1 upon 2 के बराबर होगा, 3 upon 6 बन रहा है क्योंकि a ये b2 है, सॉरी ये b1 है ये b2 है आपका, ये भी 1 upon 2 बनता है, बनता है 3 2 6, एंड ये बनता है आपके पास ये कितना है माइनस, ये दिया है माइनस 9 upon माइनस 18, माइनस माइनस कैंसिल, जो के बनता है 1 अपॉन 2, 9 1 9 9 2 18। अब यहां देख सकते हैं 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2 हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 2, ये क्या है आपके पास, हम लिखेंगे ये वाली चीज लिखेंगे, हम लिखेंगे a1 अपॉन a2 is equal to b1 अपॉन b2 is equal to c1 अपॉन c2, यानी ये तीनों चीजें इक्वल है, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2, ये तीनों चीजें इक्वल आई। अगर ये तीनों चीजें इक्वल आती है उस समय आपके पास क्या होता है, आपके पास यहाँ पे हम लिखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होती है आपके पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, उस समय क्या होते हैं मेनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन। अब यहाँ मैंने कहा बहुत सारे सॉल्यूशन कहाँ होते हैं, ये आपके पास ये सिचुएशन है जहां बहुत सारे सॉल्यूशन हो जाते हैं, यानी लाइंस उस समय एक दूसरे के ऊपर यानी ओवरलैप करती है, हम लिखेंगे कोइंसिडेंट लाइंस, इसको आप लिख सकते हैं कोइंसिडेंट, उस समय क्या होती है आपके पास कोइंसिडेंट लाइन, इसको रब कर लेते हैं, अब हम इसको रब ही कर लेते हैं ये वाली चीज, चलिए ये मिनी जरूरत अब हमें कोइंसिडेंट हो गया, ठीक है अब वो जरूरत है आपको। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और इक्वेशन लेते हैं, तीसरी इक्वेशन मान के चलते हैं आप ले रहे हैं x plus 2y minus 4, x plus 2y minus 4 is equal to 0, and दूसरी equation ले रहे हैं आप 2x plus 4y, 2x plus 4y minus 12 is equal to 0। अब देखिए यहाँ चेक कीजिए a1 upon a2, a1 क्या है आपके आपके पास, यहाँ 1 है आपके पास 1 upon 2 बनता है, एंड यहाँ पे बनता है 2 upon 4 जो कि 1 upon 2 के बराबर है, एंड यहाँ बनता है minus 4 upon minus 12 जो कि बनता है 1 upon 3 के बराबर, जब डिवाइड करेंगे 4 1 4 4 3 12 माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 1 4 4 3 12 1 upon 3 आ रहा है, तो पहले दो आप देख सकते हैं ये दो इक्वल है 1 upon 2 1 upon 2, लेकिन वहां 1 upon 3, तो हम लिखेंगे a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2। So, ये जो सिचुएशन, जब ये सिचुएशन क्रिएट हो जाती है उस समय आपके पास नो सॉल्यूशन होता है,
उस समय आपके पास क्या होता है, नो सॉल्यूशन। एंड नो सॉल्यूशन, अभी मैंने कहा नो सॉल्यूशन कब है, यानी नो सॉल्यूशन मींस ऐसी कोई वैल्यू नहीं निकलती है एक्स एंड वाई की जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, तो वो होती है पैरेलल। उस समय आपके पास क्या होती है, पैरेलल लाइंस। तो ये चीज, ये टेबल आपको आगे आने आगे वाली एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर फुली प्रिपेयर्ड विद दिस टेबल। मींस आपको पता होना चाहिए a1 अपॉन a2, जब आपके पास a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है, उस समय ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, उस समय ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपके पास नो सॉल्यूशन होता है एंड उस समय आपके पास लाइन जो होती है वो इंटरसेक्टिंग होती है। जब ये सिचुएशन a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 होता है, तो मेनी सॉल्यूशन होते हैं एंड कोइंसिडेंट लाइंस होती है। जब ये आता है, जब दो पहले दो इक्वल एंड तीसरा डिफरेंट आता है, तो नो सॉल्यूशन एंड पैरेलल लाइंस होती है आपके पास। ओके, अब हम आते हैं एक्सरसाइज की ओर, आपकी जो एक्सरसाइज है उस पे आते हैं। अब हम आपकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेज दस बच्चों ने मैथमेटिक्स क्विज में हिस्सा लिया, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज फाइंड। अच्छा, एक स्टेटमेंट कहा है, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है, कहता है अगर 10th if 10 students of class x took part in mathematics quiz and आगे कहा है if the number of girls is 4 more than the number of girls, हम और कहा है कि अगर लड़कियां आपके पास 4 ज्यादा है लड़कों से, हम लिखेंगे we don't know the number of boys, हमें पता नहीं है, तो हम लिखेंगे the number of girls be x, number of girls जो आप suppose करेंगे be x and number of boys जो हैं आपके पास be y, मान के चलते हैं। According to first condition, पहली condition के मुताबिक क्या होगा, क्योंकि कहता है जो number of आपके पास boys हैं and girls हैं, दोनों का sum यानी girls and boys मिलके बनते हैं कितने, टोटल बनते हैं ये 10, ये हो गया आपके पास फर्स्ट इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन आ जाइएगा, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन के मुताबिक क्या है, कहता है लड़कियां चार ज्यादा है किससे, बॉयज से चार ज्यादा है, जो चार ज्यादा है यानी लड़कियां बॉयज से चार ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे जो चार ज्यादा है वो उसको देना है आपने, लड़कियां ये हैं एंड बॉयज ये हैं, और ये चार ज्यादा लड़कियां जो है वो बॉयज से चार ज्यादा है, वो एडिशन जो है उसको दे देना है आपने। चलिए x माइनस वाई इसको इधर लाइएगा आप, इज इक्वल टू 4, ये हो गई दूसरी इक्वेशन। आ जाइएगा अब इसका सोल्यूशन फाइंड करना है, फॉर आपने पहले ये लिखना है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पे आपने पहले x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है, x एंड y की वैल्यूज फाइंड करनी है, आपने देखना है x की what value can take x एंड y टू मेक द सम ऑफ 10, सम 10 बनाने के लिए x और y की जगह क्या डालना, अगर x 0 होगा, अगर मान के चलते हैं x नहीं 0 नहीं लेके लेते हैं, अगर x 2 है आपके पास एंड y, तब 8 डालना पड़ेगा, x 2 y 8 डालना पड़ेगा, अगर आप x डालते हैं 6, x डालते हैं 6 वो डालना पड़ेगा 4, अगर x डालते हैं आप कितना, x डालते हैं आप 5 एंड दूसरा भी 5 डालना पड़ेगा, 5 प्लस 5 10 हो गए एंड दूसरा बना हुआ 4, x माइनस y इज इक्वल टू 4, ये चीज इसमें बनाइएगा x एंड y, x क्या होगा उसमें से क्या सबट्रैक्ट करेंगे 4 आएगा, अगर आप x डालते हैं कितना 6, 6 में से आप 2 सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, 6 में से 2 सबट्रैक्ट करना पड़ेगा तभी जाके 4 आएगा, अगर x आप लेते हैं 8, 8 में क्या सबट्रैक्ट करेंगे, 8 में आपको सबट्रैक्ट करना पड़ेगा कितना, 8 में सबट्रैक्ट करना पड़ेगा 4 तभी जाके 4 आएगा। ये दो पॉइंट्स काफी हैं, इसके दो पॉइंट्स। अब देखिएगा आपने ग्राफ बनाना है, पहले आते हैं इसका ग्राफ बनाने के लिए, इसकी लाइन क्या बनेगी, x क्या है 2, x आपका 2 है y 8, x 2,
x2 सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चलेंगे। x2 है, x2 तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, x की वैल्यू जो भी है उसके हॉरिजॉन्टली चल रहा है। x2 y8, y की वैल्यू 8 है तो पहले आप हॉरिजॉन्टल जाएंगे, कहां तक, जो 2 है वहां तक जाएंगे। एंड y8 है तो मींस वहां से जहां पे हैं 2 पे हैं वहां से 8 स्टेप्स ऊपर की तरफ, वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर की तरफ, बिल्कुल वहीं से ऊपर की तरफ 8 के सामने आप मार्क कर लेंगे। ये हो गया पहला आपका पॉइंट। एंड दूसरा क्या है, 6 एंड 4, x6 पहले डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 6 तक, एंड 6 के बाद 4 है, 4 की उधरी से 4 कदम आप ऊपर चलेंगे। ये आपको कदम जो स्टेप्स कह रहा हूं ये आपको ग्राफ पेपर पे एग्जैक्ट पता चलेगा, आप उतने स्टेप्स से ट्रैवल करेंगे, यहां यहां पे आप मार्क कर लेंगे दूसरा साइन, ठीक है। एंड तीसरा क्या है, 5 5 x 5 y 5, ये 5 x 5 एंड y 5 थोड़ा सा इधर से भी ऊपर यहां जैसे आप मार्क कर लेंगे। ये हो गया दूसरा तीसरा पॉइंट। अब आपका आपकी जो लाइन है ये पास हो रही है, दिस इज योर लाइन, इस तरीके से आपकी लाइन पास हो रही है किसकी, x plus y is equal to 10। एंड दूसरा आते हैं आप, x कितना है आपके पास, x की वैल्यू 6, y 2, x की 6 यहां तक जाएंगे एंड y 2 वहीं से दो कदम ऊपर चलेंगे यहां पे, ये हो गई पहली वैल्यू। एंड दूसरी वैल्यू क्या है, 8 एंड 4, x 8, x 8 इधर एंड 4, 4 4 4 यहीं से चार कदम ऊपर, तो इस 4 के सामने आप मार्क कर देंगे यहां पे निशान, ठीक है। ये हो गया दूसरा पॉइंट, तो ये दो पॉइंट डायरेक्शन मिल गई, ठीक है। आते हैं अब अपना ग्राफ ड्रॉ करने, ये आपका, चलिए थोड़ा सा हाथ से टेढ़ा हो गया, नो इशू, जब आप उस पे करेंगे तो स्केल से ड्रॉ करेंगे तो एग्जैक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप ये मत सोचना कि पॉइंट मैंने हटा दिया, पॉइंट इसलिए हटाया क्योंकि आपके पास क्या था, पहला क्या था, 6 6, क्योंकि मेरे पास स्केल नहीं है, स्केल से इस पे ड्रॉ नहीं हो सकता, आप जब स्केल से ड्रॉ करेंगे तो आपके पास टेढ़ी लाइन नहीं हो जाएगी, ठीक है। ये हो गई दूसरी इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन, एंड ये है x माइनस y इज इक्वल टू, x माइनस y इज इक्वल टू 4। अब आपने फाइंड करना है सॉल्यूशन, अब देखिए सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना है, द पॉइंट वेयर वेयर द पॉइंट वेयर बोथ द लाइंस कट ईच अदर, इंटरसेक्ट ईच अदर, ये पॉइंट जहां पे दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है विल बी द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, वो सॉल्यूशन होगा दोनों इक्वेशन का। अब ये फाइंड करना है, ये कहां है, ऊपर पहले 7 पे जाएंगे, क्योंकि आप यहां से उस पॉइंट से अगर फाइंड करना है वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे x एक्सिस पे और एक परपेंडिकुलर y एक्सिस पे ड्रॉप करेंगे। यहां के लिए भी देखिए ये ड्रॉप होगा तो 7 पे ड्रॉप हो रहा है, इधर के लिए ड्रॉप होगा तो 3 पे ड्रॉप हो रहा है, तो पहला 7 जो है वो किसकी वैल्यू है, x होगा आपके पास 7 एंड y होगा आपके पास 3, तो x कितना है 7, x क्या है गर्ल्स, गर्ल्स आपके पास 7 एंड बॉयज आपके पास, बॉयज जो है वो आपके पास कितने हैं 3, आप चेक कर सकते हैं यहां पुट कीजिएगा, x कितना है 7, बॉयज कितना है 3, तभी तो वो चार ज्यादा आ गई, वही कहा है ना कि आपके पास लड़कियां जो है वो बॉयज से कितनी ज्यादा है, चार ज्यादा है, तो आप देख सकते हैं ये 3 है ये 7 है, तो मतलब कितने ज्यादा, 7 में कितना ऐड करना है, 4 ही ऐड करना, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये है आपके पास इसकी वैल्यू। अब आते हैं हम इसका सेकेंड पार्ट, इसका सेकेंड पार्ट क्या कहता है, सेकेंड पार्ट सेज क्या है, 5 pencils and 7 pens together cost 50, whereas 7 pencil and 5 pens together cost 46. Find the cost of pencil and cost of and that of one pen. आपके पास 5 pencil, आप suppose करेंगे question, ये B part है question number 1 का. Let the cost of one pen be rupees x. मान के चलते हैं एक pen की cost x है. And cost of one pencil, पहले पेंसिल था, पेन था, पेंसिल था, पहले पेंसिल ही लेंगे, पेंसिल भी है रुपीज एक्स, वन पेन बी रुपीज वाई, वो है आपके पास अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, पहली जो कंडीशन है वो क्या है, पहली कंडीशन में कहता है क्योंकि आपने एक्स माना किसकी प्राइस है आपके पास, पेंसिल की, एंड वाई किसकी प्राइस है, पेन की आपके पास। अब कहता है 5 pencils and 7 pens, 5 pencil, 5 pencil की price x, plus 7 pens, 7 pen की y is equal to, ये बनता है आपके पास कितने हैं, इनकी कीमत है 50, ये हो गई first equation, and दूसरी according to second condition, दूसरी जो condition दी है, second condition, दूसरी condition में क्या कहा है, कहता है फिर से अब 7 pencils, अब कर दिया है 7 pencils, यानी 7x plus 5 pens, 5y is equal to, इनकी कीमत है 46, आपने फाइंड करना है
इसका सोल्यूशन ग्राफिकली, ठीक है। तो चलिए फॉर आप फिर से वही पहले सोल्यूशन फाइंड करेंगे, फॉर 5x + 7y = 50। चलिए जी पुट कीजिएगा, क्या है आपका कितना है, ये है x, ये है y। चलिए जी x की जगह आप क्या पुट करेंगे एंड y की जगह क्या पुट करेंगे 50 बनाने के लिए। अगर यहाँ डालेंगे 5 6 30 डालेंगे, यहाँ पे 30 यानी नहीं, यहाँ डालेंगे 7 6 42, यहाँ डालिएगा जरा आप 7 6 7 4 28 7 4 28 7 2 14 14 में कितना ऐड करना पड़ता है 36, 5 9 9 5 9 7 6 अगर यहाँ 6 डालेंगे तो यहाँ आपका होगा कितना, अगर यहाँ मान डालते हैं, चलो मान के चलते हैं इसकी प्राइस 1 रुपीज है, यहाँ अगर आप 1 डालते हैं तो इधर कितना डालना पड़ेगा, 5 में कितना ऐड करने का करना पड़ेगा 7 7 49, यहाँ डालना पड़ेगा आपको 7, क्योंकि 7 7 49 नहीं, कहाँ आएगा यार 49 कहाँ आता है, 5 ऑलरेडी है। अगर यहाँ 1 डालते हैं ये बनता है 5, उधर डालना पड़ेगा आपके पास आपको कितना फिर 7 9 नहीं फ्रैक्शन में आएगा, अगर यहाँ डालेंगे 7 5 35 5 5 25, अगर यहाँ 5 डाल x की जगह भी 5 डालते हैं तो y भी 5 आएगा, क्योंकि 5 5 25 और यहाँ भी डालेंगे 7, कहाँ तब भी नहीं आ रहा है, हमें पुट करना पड़ेगा। चलिए पुट ही करते हैं, आप पुट कीजिएगा x की वैल्यू, आप पुट कीजिएगा कितना x की वैल्यू, आप 5 3 15, हाँ x की वैल्यू 3 एंड y की हो गई 5, है ना, 3 5 15, 7 5 35, 50 35 हो गया 50, एक वैल्यू हो गई आपके पास। आप पुट करते हैं एक और, मान के चलते हैं अब अगर आप 7 6 42, 5 का नहीं बनता है बाकी 8 ऐड करना, 42 में 8 ऐड नहीं हो सकता है, फिर 42 में ऐड, अब उसके बाद 7 7 49 हो सकता है एंड 7 4 28 में कितना ऐड करना है 22 5 के साथ नहीं आता है, 5 का और 20 आता है, 5 का किसके साथ आता है 5 4 20 होता है 30 आना चाहिए, नहीं आ सकता है, 5 3 15 हो सकता है, 5 2 10 7, 5 2 10 होता है लेकिन नहीं हो सकता है, 5 1 5 हो सकता है, वहाँ उसमें 5 नहीं होगा, 5 6 30 30 में 20 वहाँ नहीं बनता है, 5 7 5 8 40, 5 10 50 आ सकता है, 10 और 0 आ सकता है, ऐसा पॉसिबल है कि 10 और 0 को फ्री में मिल जाए तो 10 और 0 हो सकता है। आप ऐड कर सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ 5 इधर 10 और इधर 0 डाल सकते हैं, 10 और 0। देखिए अब एक चीज है, चलिए एक और, एक पहले हम वैल्यू पुट करते हैं, x की वैल्यू आप मान के चलते हैं, x की वैल्यू आप 6 पुट कर रहे हैं, x की वैल्यू अगर आप 6 पुट करते हैं ये आएगा 5 6 7y = 50, है ना, तो ये आता है 7y = 50 - 30, 30 बनेगा, 5 6 30 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा एंड 7y = कितना बचता है 20y = 20/7, फ्रैक्शन में आएगा, कोई मसला नहीं है, आप वहां शो कर सकते हैं कितना है, एक 6 दूसरा है आपका, आपके पास कितना 20/7। अब देखिए मैंने 10 और 0 पुट किया, मैं इससे भी काम चला सकता हूं, लेकिन इसकी प्रॉब्लम एक है क्योंकि 0 रुपीज़ 0 जो है वो प्राइस नहीं हो सकती है, किसकी पेन फ्री का नहीं हो सकता है, नहीं क्योंकि रियलिटी बेस्ड क्वेश्चन है तो आप 0 नहीं दे सकते, अलबत्ता अगर सॉल्यूशन निकालना है आप 0 दे सकते हैं, नो इशू, वैसा कोई मसला नहीं। अब दूसरी इक्वेशन है आपके पास, दूसरी इक्वेशन क्या है, दूसरी इक्वेशन है 7x + 5y, 7x + अगर आप यहाँ पे बनेगा यहाँ लिखेंगे फॉर क्या है 7x + 5y = 46 बनाना, चलो जी ये हो गया x, ये हो गया आपका y, x की जगह आप डाल दीजिएगा 7 4 28, 46 बनाना है ना, अभी 46 बनाना है, अगर आप 7 देते हैं 0 5 से नहीं आएगा, अगर आप 7 7 49 49 माइनस में भी दे सकते हैं, नेगेटिव वैल्यूज भी आ सकती हैं लेकिन आपके पास नेगेटिव कीमत नहीं हो सकती, प्राइस नेगेटिव नहीं हो सकती है, ये मसला है आपके पास, 5 4 20 करेंगे 20 करेंगे, यहाँ 26 ऐड करना है, 5 5 5 6 30 होता है, 30 में आपने कितना ऐड करना है 16 ऐड करना है जो कि इधर से नहीं होगा, चलिए इसका भी फ्रैक्शन में ही निकालना पड़ेगा। एक्स आप पुट कीजिएगा कितना 7, एक्स 7 वाई कितने निकलेगा, ये बनेगा 7 7 49,
निकली हमारे पास नेगेटिव, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। आपने पुट किया नेगेटिव आ रही है तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। नेगेटिव आप प्राइस पे नहीं जाएंगे क्योंकि हमें सोल्यूशन निकालना है, नो इशू के हम नेगेटिव ले सकते हैं पहले सेवन, एंड यहाँ निकला आपके पास माइनस थ्री अपॉन फाइव। एंड दूसरी वैल्यू एक अगर जीरो लेते हैं, एक जीरो ले लेते हैं ठीक है, एक्स जीरो डाल दीजिएगा, यहाँ जीरो डाल दीजिए, ये जीरो हो जाएगा। यहाँ कितना डालना पड़ेगा आपको, वाई इज इक्वल टू 46 अपॉन y is equal to 46 upon 5, 46 upon 5 आएगा क्या? Yes, आ सकता है, 5 सीधा आ सकता है, 0 and 46 upon 5, ठीक है, perfect answer, हाँ, काफी आपके पास दो पॉइंट्स, इसके दो पॉइंट्स। अब आते हैं हम सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए। मैं पहली ये जो लाइन है इसको, पहली इक्वेशन जो थी, पहला जो पार्ट था उसका ग्राफ यहाँ मिटा रहा हूँ। अब मैं यहीं पे इसी पे दूसरा ग्राफ भी ड्रा करने जा रहा हूँ। सो डोंट मिक्स अप बोथ द ग्राफ्स, अप बोथ द पार्ट्स, दोनों पार्ट्स के ग्राफ जो है उनको मिक्स अप नहीं करना है। चलिए आपके पास क्या है, पहली इक्वेशन बन रही है, ये है आपके पास 5x + 7y = 50, पहला पॉइंट 3 एंड 5, x3 y 5, चलिए यहीं से 3 के ऊपर सीधा 5 के डायरेक्शन में, ये हो गया पहला पॉइंट, ओके, ये हो गया पहला पॉइंट। एंड दूसरा है 10 एंड 0, x10 y 0, x10 y 0 मतलब यही पे रहेंगे, x10 ये है आपका 10, y 0 means नहीं हिलना है, 10 तक गए 0 है, नहीं चलना है क्योंकि 0 means nothing, no steps, you have to take no step, कहीं कुछ steps नहीं लेने, तो यहीं पे रहेगा। तो काफी है दो पॉइंट्स, आप इसके ऊपर से आप लाइन पास कर सकते हैं ऐसे, एंड यहाँ से आएंगे इसको इसके साथ जॉइन करना। ये हो गई कौन सी इक्वेशन, 7x + 5y = 46, ये नहीं है ये वाला, ये था आपका 5x + 7y = 50, ये हो गई पहली इक्वेशन। अब दूसरी इक्वेशन क्या है, x7 ये है, y कितना है, -3/5, पहले 7 पे फिर वहां से 3/5, तो जो होगा आपका, देखिए आप जब आपके पास जब ये फ्रैक्शन में आता है, ये हो गया 0 आपका, ये हो गया -1, ये हो गया आपका -2। मैं इधर के लिए ले रहा हूँ क्योंकि इधर जगह नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना, इधर के लिए ले सकते हैं आप माइनस, अब 5 जो आपका डिनोमिनेटर है उतने पार्ट्स आपने करने होते हैं, 1 2 3 4 एंड दिस इज 5, ये हो गया -1/5, -2/5, -3/5, यानी यहीं पे बिल्कुल 7 के साथ में ही रहेगा, 1 से नीचे नहीं उतरना, ये होगा आपका पहला पॉइंट, यहाँ पे आप पहला पॉइंट मार्क कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, 0 x 0 यहीं पे, एंड दूसरा है 46 अपॉन 5 आ रहा है। अब 46 अपॉन 5 तो पॉजिटिव में चलना है, आपने कहाँ चलना है, पॉजिटिव में चलेंगे, 46 अपॉन 5 आपका वाई पॉजिटिव कहाँ है, ऊपर की तरफ चलेंगे। अब देखिए 46 अपॉन 5 को आप लिख सकते हैं 45 अपॉन 5 + 1/5, ये चीज लिख सकते हैं, एंड 45 अपॉन 5 जो है वो बनता है 9, ये बनता है 5 1 5 5 9 45, ये बन सकता है 9 + 1/5, ये चीज लिख सकते हैं, किसको, 45 अपॉन 5, आप ऐसा लिख सकते हैं। तो x कितना था, 0, 0 means वहीं पे, एंड 46 अपॉन 5 9 की थोड़ा सा ऊपर, 9 क्योंकि वो बनता है 9 plus means 9 से थोड़ा सा ऊपर, वहीं पे यहाँ पे आप ये पॉइंट मार्क कर लेंगे, ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट। अब यहां से आपने लाइन पास करनी है, यहां से ज्वाइन करना है आपने किसको, इसको, अब ये ज्वाइन करना है मुझे, हाथ से ज्वाइन करना है तो ध्यान में रहे कि आगे पीछे हो सकता है, ये हो गया आपका ठीक है, यहाँ से लाइन पास कर ली, ये हो गया कौन सी इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है, ये है 7x + 5y = 46। अब यहाँ से सॉल्यूशन फाइंड करना है, व्हाट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ बोथ द इक्वेशन, दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं वो आपने फाइंड करना है। चलो जी आपने देखना है पॉइंट, आपने फाइंड करना है पॉइंट वेयर एक्स एक्सिस वेयर बोथ लाइंस आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, जहां पे दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, वो आपके पास यहां से ड्रॉप करेंगे, ये ड्रॉप होगा, थोड़ा आगे ड्रॉप हो रहा है क्योंकि 4 यहां 4 पे ड्रॉप हो रहा है, तो यहां 4 पे आ रहा है, तो 4 से ये पॉसिबल नहीं है कि 4 से ये क्वेश्चन सेटिस्फाई हो जाए। आप देख सकते हैं 5 4 20 7 4 28, ये 28 बनता है 48 जो कि आगे नहीं है 50 है, तो आपका पॉसिबल जो है अगर यहां से ड्रॉप करेंगे आपका
ये परपेंडिकुलर थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, मैंने पहले ही कहा, ये चीज मैंने आपको पहले ही कह दी, क्योंकि हाथ से बनाया हुआ है, आगे पीछे लाइंस हो सकती हैं, जब आप स्क्वायर पेपर के पे करेंगे नहीं हो सकता है। तो आपकी जो पॉसिबल वैल्यूज है वो है 3 and 5 एक्स होगा आपका कितना, एक्स होगा आपका 3 एंड वाई होगा आपका 5। ये जो कट कर रहे हैं एक दूसरे को वो 3 and 5 पे कर रही है लाइंस। तो ये था आपके पास पहले क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स। ओके,